जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि राम मंदिर को लेकर के कई सालों से ये बवाल चल रहा है कि आखिर अयोध्या में कब राम मंदिर बनेगा। ऐसे में खबर आ रही है कि कल हमारे देश के जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ ऐसा फैसला देने वाले हैं, यानी कि अब आपका इंतजार खत्म हो जाएगा इस मंदिर को लेकर के। कल 10:30 बजे का टाइम दिया गया है इस मंदिर का कि इस मंदिर पर कल 10:30 बजे तक फैसला आ ही जाएगा। लोगों का कहना है कि चाहे फैसला कुछ भी आए लेकिन कोई भी बवाल ना करे, लेकिन ऐसे में गवर्नमेंट पूरी तरह से अलर्ट है। गवर्नमेंट को पता है कि राम मंदिर के फैसले पर हो सकता है कि काफी ज्यादा बवाल हो जाए, क्योंकि लोग दो पक्षों में बटे हुए हैं। कुछ लोगों की डिमांड अलग है तो कुछ लोगों की डिमांड अलग है। इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोग जज के फैसले से भड़क जाए। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट दोनों के पक्षों में फैसला ना दे करके अयोध्या में ना मंदिर बनवा के ना मस्जिद बनवा के बल्कि कोई अस्पताल या कॉलेज बनवा दे। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को सर्विस तो मिलेगी, साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का इस फैसले को मानना गलत है। वहीं उन लोगों का कहना है कि वहां पर राम मंदिर ही बननी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर सिर्फ मस्जिद बनना चाहिए। अब ऐसे में कल 10:30 बजे तक फैसला आने वाला है, ऐसे में लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर पे चल रहा है ये विवाद काफी ज्यादा पुराना है। शायद आज की पीढ़ी को पता भी ना हो कि ये विवाद कितना पुराना है और ये कब से चलता आ रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद क्या कोई दूसरी टीम याचिका कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि विवाद पर कल कुछ भी फैसला दे सकता है। ऐसे में आगे की स्थिति क्या होगी, क्या यह अंतिम फैसला होगा और सभी पक्षों को इस फैसले पर राजमंदिर देनी होगी, आगे की संभावित स्थिति पर डालते हैं आज हम नजर। अयोध्या में राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल यानी कि शनिवार को आएगा। फैसले को देखते हुए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई हिस्सों में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फैसले को लेकर प्रशासन जहां मुस्तैद है, तो वहीं लोगों में इस बात को लेकर कोताहूल है कि फैसले उनके पक्ष में नहीं आया तो आगे का रास्ता क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 सदस्यीय बेंच ने लगातार 40 दिनों तक सुनवाई की। जस्टिस रंजन गोगोई की इस बेंच में उनके अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नाजिर भी शामिल रहे। बेंच ने मामले की सुनवाई 6 अगस्त से शुरू की और सुनवाई रोजाना चली। अब सभी को फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर विवाद पर कुछ भी फैसला दे सकता है। ऐसे में आगे की स्थिति क्या होगी, क्या यह अंतिम फैसला होगा और सभी पक्षों को इस फैसले पर रजामंदी देनी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद हर पक्ष के पास पुनर्विचार याचिका डालने का मौका रहेगा। कोई भी पक्षकार फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है, जिस पर बेंच सुनवाई कर सकती है। हालांकि कोर्ट को यह तय करना होगा कि वह पुनर्विचार याचिका को कोर्ट में सुने या फिर चैम्बर में सुने। बेंच अपने स्तर पर ही इस याचिका को खारिज कर सकती है या फिर इससे ऊपर के बेंच को स्थानांतरित कर सकती है। हालांकि कोर्ट के फैसले के अब तक के इतिहास बताते हैं कि बेंच अपने स्तर पर ही याचिका पर फैसला ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाए जाने के बाद भी पक्षकारों के पास एक और विकल्प होगा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह दूसरा और अंतिम विकल्प होगा, जिसे क्यूरेटिव पिटीशन कहा जाता है। हालांकि क्यूरेटिव पिटीशन पुनर्विचार याचिका से थोड़ा अलग है। इसमें फैसले की जगह मामले में उन मुद्दों या विषय को चिन्हित करना होता है जिसमें उन्हें लगता है कि इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस क्यूरेटिव पिटीशन पर भी बेंच सुनवाई कर सकता है या फिर उसे खारिज भी कर सकता है। इस स्तर पर फैसला होने के बाद केस खत्म हो जाता है और जो भी निर्णय आता है वही सर्वसामान्य और अंतिम फैसला होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने करीब 9 साल पहले 30 सितंबर 2010 को अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को तीनों पक्षों यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान में बराबर बराबर बांट दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। ऐसे में एक बार फिर से कल यानी कि शनिवार को ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल 10:30 बजे ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्योंकि ऐसे में कोर्ट के जज 17 तारीख को रिटायर भी होने वाले हैं, तो ऐसे में उनका फैसला काफी ज्यादा अहम होगा
और कल जो भी फैसला आएगा उसका लोगों को स्वागत करना चाहिए और किसी भी प्रकार के दंगे नहीं करना चाहिए। दोस्तों यही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।